नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। गठबंधन को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्माती जा रही है और केंद्र में है उत्तर प्रदेश। दरअसल बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन होना है, इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा, एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब कहा जा रहा है कि हम अकेले ही चलेंगे। अगर कांग्रेस अकेले अपने दम पर कुछ बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रखता है तो इसका फायदा, वोट बैंक अगर कटता है एसपी बीएसपी के बीच में, अगर वोट बैंक को काटा जाता है तो इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, या फिर बीजेपी की तरफ से जो बाकायदा एक अलग तरह की चुनावी रणनीति अपनाने की कोशिश हो रही है कि हम परिवार की तरह घर घर वोटर के घर घर जाएंगे और वहाँ पर बीजेपी के फेवर में वोट मांगने की कोशिश करेंगे, दरअसल इसका कितना फायदा, इसका कितना अच्छा नतीजा निकल सकता है बीजेपी के लिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जो वाकई में इसका जवाब ढूंढा जाना ज़रूरी है। लेकिन बीएसपी और एसपी की जो सियासी खिचड़ी की जो बात हो रही है, इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से एक चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। इस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या होगा, केंद्र में उत्तर प्रदेश को रखकर क्या सियासत को, केंद्र तक सियासत को खींचने के लिए कुछ लंबी लकीरों की ज़रूरत होगी, या फिर खिचड़ी जिस तरह से बन रहा है महागठबंधन को लेकर, दरअसल इससे कई दूसरी पार्टियां डरी हुई है और इसीलिए चुनावी रणनीति अपने अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है। एक ओर जहां बुआ भतीजे की सियासी खिचड़ी पक रही है, तो वहीं राहुल गांधी भी अकेले निकल पड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने जनता के बीच जाकर वोट बैंक को साधने की शुरुआत कर दी है। देखते हैं पहले रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे और हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2019 के रण का बिगुल बज चुका है। सियासी मैदान में हर कोई अपने दमखम को दिखाने के लिए बेताब है, तो इसके साथ ही दलबाजी और गठजोड़ का दौर भी जारी है। जहां एसपी बीएसपी गठबंधन के दम पर चुनावी रण में यूपी फतेह का प्लान बना चुके हैं, तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो अकेले चलकर भी जीत का मानता रखती है। दूसरी ओर बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन यूपी के लिए मेरा परिवार अभियान की शुरुआत की, जिसके जरिए घर घर जाकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का लक्ष्य है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बहुजन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग तय है, जिसमें कांग्रेस को कहीं जगह मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यही नहीं, सीबीआई छापेमारी विवाद के बाद जिस तरह बीएसपी अखिलेश के बचाव में दिखाई दी, उससे साफ जाहिर है कि बुआ पबुआ का साथ यूपी में कांग्रेस के हाथ के बिना ही होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो अच्छा किया वो अच्छा किया। लोकतंत्र में उन्हें लगता है कि उनकी पार्टियां बहुत ताकतवर है, हम कुछ नहीं है, तो अच्छा फैसला लिया। कम से कम हमें मौका मिला अपनी पार्टी बनाने का, और अगर हमें यही एहसास रहता कि हमारी पार्टी है कि नहीं है, और उन्हें तो ये लगता है कि बिना उनके हमारा कुछ नहीं हो सकता, देश को तीसरे विकल्प की जरूरत है। उधर माया अखिलेश के सियासी जाल को देखते हुए राहुल गांधी ने भी अपना चुनावी फंदा बुनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संकेत दिया कि गठबंधन न होने पर कांग्रेस यूपी में अकेले चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस को कमजोर नहीं समझा जा सकता। राहुल गांधी का कहना है कि हमारा पहला लक्ष्य मोदी को हराना है, और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हम मजबूत हैं, और कई ऐसे राज्य भी हैं जहां गठबंधन होगा, और इन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन के फॉर्मूले पर काम कर रही है। अगर वो लोग कांग्रेस को छोड़ करके कोई प्लान करते हैं तो इसका मतलब उनकी मंशा साफ इसलिए नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस ने यही स्टैंड किया था कि हमारा महागठबंधन हो, जो देश के अहित की सरकार है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसको हटाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हों, और हमें लगता है कि कांग्रेस ने अभी भी वो स्टैंड रखा है। जो कांग्रेस को हराना चाहेंगे सब हमारे साथ आएंगे, और जो भाजपा को कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो उनकी बात उनके ऊपर।
तो दूसरी तरफ यूपी में सियासी झंडा गाड़ने के लिए तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब हर घर को अपना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी 12 फरवरी से मेरा परिवार बीजेपी परिवार अभियान चलाने की शुरुआत कर रही है। ये अभियान 22 फरवरी तक चलेगा। अभियान में उत्तर प्रदेश के करीब 1,63,000 बूथों के जरिए 1 करोड़ कार्यकर्ताओं और सदस्यों तक पहुंचने की तैयारी है। देखिए, लोकसभा के पिछले चुनाव में बसपा थी 0, परिवार के अलावा सपा भी थी 0, दो 0 मिलकर भी बनेंगे बिग 0। कितना गठबंधन कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं मानता हूं, कोई कितना गठबंधन बना ले, देश की जनता का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कुल मिलाकर देखें तो यूपी फतेह के लिए कोई गठजोड़ तो मजबूत करने चला है तो कोई गठबंधन को, मगर बीजेपी ने लोगों के साथ सीधा जुड़ने का महागठबंधन तैयार किया है, जिससे पार पाना माया अखिलेश के साथ कांग्रेस को भी भारी पड़ेगा। हालांकि अगर बात विपक्षी गठबंधन की करें तो यूपी में हाथी ने साइकिल की सवारी की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके बाद राहुल गांधी अकेले हाथ हिलाए निकल लिए हैं। खैर, अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में मचा ये सियासी घमासान 2019 के रण में कौन सा रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो किस तरह से महागठबंधन को लेकर एक अलग तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम अकेले चलेंगे, बीजेपी का कहना है कि हम घर घर जाकर वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन और भी कई झोल है, और भी कई तरह की इसमें खास तरह की बातें जो नज़र आती है, उसके आधार पर एक बात को समझना बेहद ही ज़रूरी है कि होगा क्या, उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर क्या केंद्र को साधा जा सकता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढा जाना वाकई में बहुत ज़रूरी है। इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं, सभी मेहमानों के पास चलेंगे। और इस वक्त मनोज मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रशांत पाठक, BSPL के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत पाठक जी, स्वागत है आपका। जीतू शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जीतू जी, स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण कुमार हमारे साथ इस वक्त हैं, अरुण राजभर, जो कि SBSP के नेता हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है अरुण जी। सबसे पहले हम चलेंगे मनोज जी के पास चलेंगे, बीजेपी के नेता हैं, और शायद सबसे पहले अगर चुनावी रणनीति की बात की जाए तो बीजेपी की चर्चा ही सबसे पहले ज़रूरी कर लेनी चाहिए। मनोज जी, देखिए, सब लोगों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब तो हम अकेले ही चलेंगे। SP BSP का मामला पूरी तरह से तय नज़र आ रहा है ना। आपके अंदर अगर SB और SBSP की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से विरोध हो रहा है, जो आपके और जो दूसरे दल हैं जो आपके साथ हैं उनकी भी नाराज़गी है। एक और जो खास तरह की बात हो सकता है कि आपके लिए राहत की बात हो, PSPL, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, इन तमाम तरह की चीज़ों को देखने के बाद आपकी एक चुनावी रणनीति लोकसभा के हिसाब से किस तरह की बनती नजर आ रही है, कुछ अगर खुलासे कर सकते हैं तो कीजिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 14 में 73 सीटें जीतकर लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी, स्पष्ट बहुमत की पार्टी बनी, और उसने केंद्र में NDA की सरकार बनाई जी। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हम अपने सहयोगियों के साथ, NDA के सहयोगियों के साथ 325 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई। तब से लेकर आज तक, 2014 से लेकर आज तक 2019 तक, हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के कार्यक्रमों, जनता ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जनता से संबोधित हो, उनसे संबंधित हो, उनको संबोधन दे रहे हो, उनसे एक संपर्क कायम कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है उत्तर प्रदेश में और देश में जो लगातार जनता के संपर्क में है। इस नाते हम कह सकते हैं कि चाहे ये गठबंधन कर ले, चाहे ये ठगबंधन कर ले, उसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो लक्ष्य साधा है अब 2019 के चुनाव का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी ने, कि 50% प्लस, यानी 50% से अधिक मत हमें लाने की कोशिश करनी है, ताकि जो गठबंधन हो उसको भी हम पीट सकें। नहीं, कैसे, और कैसे, अभी कैसे पीट पाएंगे आप, जीरो जी, कैसे पीट पाएंगे? एक बयान
एक बयान मुझे याद आ रहा है, अमित शाह की तरफ से भी एक अलार्मिंग बयान था उनका। उन्होंने बहुत ही सधे शब्दों में, बहुत ही क्लियरली उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर एक साथ दोनों पार्टियां आ जाती हैं गठबंधन के तौर पर तो बीजेपी को दिक्कत होगी। 5 से 7% का जो वोट जो अंतर आ रहा है उस अंतर को पाटने की हमारी कोशिश है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा 7-8% को जो पाटने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साधने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए एसपी बीएसपी अगर एक साथ है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा आपको मनोज जी। देखिए हमने हमारी सरकारें हैं केंद्र में भी, हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में भी। हम केंद्र की सरकार के जो कार्यक्रम रहे पिछले 4.5 वर्षों के उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, प्रदेश सरकार के जो 1.5-2 साल के कार्य हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और तीसरे एंड पे हम संगठनात्मक अपनी मजबूती कर रहे हैं। हम बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और फिर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन का ढांचा हमारा बहुत मजबूत है, और हम संगठन को केवल संगठन चलाने के लिए नहीं जनता और सरकार के बीच संपर्क का काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और आप देख लीजिएगा कि पूरे प्रदेश में आप उठा के देख लीजिए, आपके करेस्पोंडेंट होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि पूरे प्रदेश में लगातार 4.5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क अभियान कायम है और जनता से संवाद कायम है। तो हम इसी संवाद के दम पर, हम केंद्र सरकार की सफलता के दम पर, उनकी नीतियों कार्यक्रमों के दम पर, प्रदेश सरकार के क्या कार्यक्रमों के दम पर, मनोजी अगर एमपी की बात करें, लोकसभा चुनाव में एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तीनों जगह आपकी हार हुई। और उससे पहले जो लगातार दावे किए जा रहे थे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कि आपका संपर्क वहाँ पर भी बहुत ही तेज है, एक तरह से संपर्क क्रांति आपने वहाँ पर लाई है और जनता आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन देखिए क्या हासिल हुआ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि वोट शेयर जो है, जो थोड़ा सा बीच का जो डिफरेंस है उस पर वर्कआउट करना चाहिए आप लोग को। और कैसे आप कर रहे हैं भले आप नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर ये चीज़ें हो रही होंगी। कैसे होगा हम थोड़ी देर के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे, इसके इस सवाल का जवाब थोड़ा सा तैयार रखिएगा। लेकिन अरुण राजभर के पास चलेंगे। अरुण राजभर जी बीजेपी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तमाम तरह की सुविधा उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही माइक आप लोग देखते, जैसे मीडिया का आप माइक आप लोग देखते, किसी न्यूज़ चैनल का माइक देखते, जी भर भर के पानी पी पी करके गालियां देते हैं बीजेपी के खिलाफ। नुकसान तो इससे आप ही का होगा राजभर जी, बताइए आप थोड़ा सा। नहीं देखिए ये चरित्र बदल जाता है अचानक। जी अभी मनीष जी की बात हम सुन रहे थे, मनोज जी की बात सुन रहे थे जी, और हमारे लफ्ज नहीं बदलते हैं। 4 बार सपा की सरकार बनाया पिछड़ों ने, दलितों ने, 4 बार बसपा की सरकार पिछड़ों ने, दलितों ने बनाया, उसको मिला क्या? जब वह नाखुश हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को मिला करके सरकार बना दिया। तो सवाल उस विषय का नहीं है, सवाल इस विषय का है कि जो समाज वोट देकर के सरकार बना रहा है हम उसको देख क्या रहे हैं, सवाल इस बात का है। आज जिस तरीके से आप देख लीजिए, गोरखपुर और फूलपुर कैराना, ये 3 चुनाव आपके सामने अभी तत्काल हुए हैं। अब अगर इसी को अगर हम नजीर मार लें तो मनोज जी को यह समझ में आनी चाहिए कि हम ज्यादा अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में परिणाम हमारे इसी तरीके से होंगे। अब हमारे सामने सपा और बसपा एक गठबंधन बन रही, वो हमारे लिए चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। अब देख लीजिए कि थाने हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, चाहे कार्य न्यायपालिका हो, अब इसमें कितने लोगों को प्रतिनिधित्व पिछड़ों का हो रहा है, दलितों का हो रहा है, अल्पसंख्यकों का हो रहा है, कहीं होता नजर नहीं आ रहा है, फिर वोट कहां से लाएंगे? अब उस चीज को हम कह रहे हैं कि जो 27% आरक्षण है उसमें जो लोग अब तक हिस्सा नहीं पाए हम उनको हिस्सा देने की बात करें। जो हर लोकसभा में 8 लाख 6 लाख 4 लाख 3 लाख वोटर वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनको हिस्सा देंगे तब ना हमको वोट देंगे, अब उनको हिस्सा नहीं देंगे। अभी जमीन पर आप जाके देखें 70% कार्यकर्ता इनकी पार्टी का खुद नाराज हो गया है कि हमारी बातें खुद सरकार में नहीं सुनी जा रही है। क्यों चिंता कर रहे हैं? जब नाराज चल रहे हैं, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हैं तो आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? और जो बात आप कह रहे हैं दरअसल इसे पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कही जाती है। आप लोग चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले हम जो कह रहे हैं वो सारी चीजें, सारी शर्त जो है बीजेपी की तरह से मान लिया है। मैं लौटता हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए क्या है राजभर जी, थोड़ी देर के बाद आप मुझे बता भी देंगे बीजेपी के साथ आप लोग हैं या फिर कुछ और
आप लोग सोच रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी को थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में, क्योंकि जो बातें नजर, देखिए बैक साइड में क्या कर रहे हैं, बीजेपी के साथ कितना सांठगांठ आपका है, कितना मजबूत गठबंधन है, ये तो हम लोग को समझ में बातें नहीं आती। हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि अरुण राजभर मीडिया के सामने आते तो क्या बोलते, हम लोग का कैलकुलेशन उसी आधार पर होता है। चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी कहा मजबूत चल रहे हैं, मजबूत चल ही नहीं रहे अरुण राजभर जी। जब से आप यूपी जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, मुझे लगता है कि 15 दिन ही आप लोग सही रहे और बीजेपी के फेवर में बात कर रहे थे, योगी जी के फेवर में बात कर रहे थे, 15 दिन के बाद ही आप लोग के लफ्ज बदल गए। तीन महीने के बाद हमने बात शुरू किया कि भाई हम लोग तो 15 दिन के बाद ही देखे कि सारे लोग आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना है, आप जो करें आप उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क, मैं तो सवाल ही पूछूंगा आपसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, अब देखिए चंद्रमोहन शर्मा जी, एक नई बात जो निकल कर सामने आ रही है, नेता तो समझना नहीं चाहते, ठीक है पता है कि आप लोग कितना समझा पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं या फिर आप लोग भी समझने के लिए तैयार नहीं। चंद्रमोहन शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में या ऐसा मानकर चले कि महागठबंधन को लेकर जो एक सुगुगाहट हुई थी, एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था कांग्रेस की तरफ से, मुझे जहां तक याद है इसे समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन मिला, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मायावती की तरफ से, फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को फतह कर लेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपके बड़े नेताओं के अंदर कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा बताएं, क्या कुछ वर्कआउट चल रहा है कुछ अंदर अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह कुछ कर कमाल करने की चुनावी रणनीति पर आप लोग चल रहे हैं या फिर वैसे ही है हवाबाजी है बस? देखिए गौरी जी, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये वक्त की जरूरत है, वक्त के हिसाब से हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक बात रखी है, पहला प्रश्न तो यह है कि सारे विपक्ष को साथ लाया जाए, इकट्ठा करा जाए, अगर सब विपक्ष साथ आता है तो इस देश के अंदर वो सरकार जो फीका प्रस्त है, जो लोगों को विभाजन की राजनीति करती है, उसको इस सत्ता से दूर किया जाए, लेकिन अगर नहीं आता तो हमने बोला कि आप हमारी शक्ति को कम ना आंकें। हमने जनाधार खोया है, अपनी पहचान नहीं खोई है हमारे। राहुल जी का कहने का मतलब है कि कांग्रेस आज भी खड़ी है यूपी के अंदर, ठीक है, जनाधार जुड़ गया है, जनाधार वापस लिया जा सकता है और जनाधार हम बूथ लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे अपने वर्गों के थ्रू वापस लेंगे अगर गठबंधन की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बोला पहला उद्देश्य ये भी है कि विपक्ष साथ आए, लेकिन उसके अंदर विपक्ष जब साथ आएगा, सिस्टम साथ बैठेगा तो उसका भी वो विचार करेंगे। अगर सिस्टम नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी जगह पर नहीं लड़ सकती, कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ लड़ेगी और अच्छे रिजल्ट लेकर दमखम के साथ लड़ेगी चुनाव। देखिए वो बात अलग होती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के अंदर पैसे की कमी है, उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने में दिक्कत आएगी, वो अलग बात है। आप मनोज जी थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा सा स्विच, है ना, स्विच ऑफ कर दें या फिर साइलेंट मोड में कर दें, हम लोग ऑन एयर हैं तो सारी चीजें देखिए बाहर जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। मैं देखिए चंद्रमोहन शर्मा जी ये कह रहा हूँ जी, ये अलग बात है कि आप लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, है ना, ये अलग बात है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पैसे झोंके जाएंगे, जितने पैसे की जरूरत उम्मीदवारों को होगी चुनाव प्रचार के लिए देंगे आप लोग, नहीं पैसे की कोई जरूरत नहीं है हमारा। मसला ये है कि रायबरेली और अमेठी के बाद का जो ओवर कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी की तरफ से दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी तरह का, एक बात के ऊपर बात आई है, जिस बात की जरूरत है कि अगर कहीं साथ बैठते हैं, अगर कोई बैठ के टेबल के बैठ पे नेगोशिएबल होगी तो उसे विचार करेंगे, और अगर किसी टेबल के ऊपर हमारी सीटिंग नहीं होगी तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है, हम उसके लिए पूरी तरह से लोकसभा के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं। चलो का नारा देखिए, बिल्कुल इकला चले के ऊपर जरूरत पड़ेगी तो हम चलेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये बात भी बोली है कि सबसे पहला हमारा मुद्दा विपक्ष को साथ लाने का है, हम और जगह भी और स्टेट्स के अंदर दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़े ऊपर से लेवल तक डिसाइड होंगी, वो अभी लेटर ऑन डिसाइड हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए कांग्रेस का कॉन्सेप्ट चुराया गया है ना, किसने चुराया, समाजवादी पार्टी ने चुराया, बहुजन समाज पार्टी ने चुराया, और फाइनली क्या हुआ कि कांग्रेस को एक तरह से वहां से भगा दिया गया है ना, इग्नोर कर दिया गया, या फिर उसको एकदम से अपने पास फटकने के लिए भी आप पूरी तरह से लोग तैयार नहीं कि फटकने ही नहीं देना है कम से कम उत्तर प्रदेश में। अब देखिए क्या दिक्कत क्या हो रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में और कोई नजर नहीं आता,
हमें तो लग रहा है कि थोड़ा सा नुकसान ज्यादा है और फायदा कम आपको नजर आ रहा है। जीतू शर्मा जी थोड़ा सा बताइए कि अगर पहले मैं बता देता हूँ, यदि मैं बात सपा और बसपा के गठबंधन की कर लूँ तो आपने 2017 के चुनावी आंकड़े देखे होंगे और जिस तरीके से पहले और दूसरे नंबर पर हमारे प्रत्याशी रहे, यदि उसमें बसपा का वोट बैंक मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा निकल कर आता है। तो अभी कह तो रहा था कि 7 से 8% का डिफरेंस। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सही बात, कहीं ज्यादा निकल कर आता है। और जहां तक दो दलों के गठबंधन की बात है तो तीसरा दल राष्ट्रीय लोक दल के साथ हमारी बातचीत हो रही है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा वोट बैंक है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जिस तरीके से नाराज हो रहे हैं, इन्हें भी पता लग गया है। नहीं, कांग्रेस की मैं क्या बात करूं, सबको अकेले लड़ने का अधिकार है, सबको अकेले लड़ने का अधिकार है। देखिए कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के नेता बात करेंगे, मैं केवल अपने दल की बात कर सकता हूँ। इन्हें किसके साथ लड़ना है किसके नहीं, ये इनका हाईकमान तय करेगा, समझ रहे हैं। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 73 सीट लेने के बाद सीना फुलाकर बैठे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में 75 सीटें वो ले जाएंगे, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से उनके सहयोगी दल नाराज हो रहे हैं, उन्हें भी पता लग गया भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और आने वाले समय में जो तीन चार राज्यों में जो चुनाव हुआ और जो उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद सारे लोगों को पता लग गया है, ये तो मात्र ट्रेलर है और आने वाली पिक्चर 2019 में रिलीज हो जाएगी। एक चीज आप भूल रहे हैं, और क्या भूल रहे हैं पता है आपको, आप शिपाल यादव को भूल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है आप लोगों का, मैं जहां तक जानता हूं, मुझे लग रहा है कि किसी से भी आप पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी का संगठन का मतलब होता है शिपाल यादव। शिपाल यादव आपसे अलग हो गए, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और मैं जहां तक बात कर लूं शिवपाल सिंह यादव जी की जी। तो उनके जाने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। और आने वाले समय में ये जो है साफ भी हो जाएगा। प्रशांत पाठक जी, मैं तो इस बात को मानकर चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर लोग इस बात को जानते हैं। देखिए, अगर ये कह दे कि शिवपाल यादव के जाने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ये छद्म एक तरह से है ना, किसी का छद्म कल्पना ही है, कल्पना मात्र है, क्योंकि शिवपाल यादव संगठन के सबसे मजबूत नेता थे। और आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संगठन में शिवपाल यादव जैसा स्ट्रांग नेता तो है ही नहीं, और वो आपके साथ है नहीं। अब बताएंगे प्रशांत पाठक जी, आपको बता देंगे कि दरअसल क्या स्थिति है आपकी, बताइए पाठक साहब। गौरी शंकर जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में घटनाक्रम चला, और उस समय जब शिवपाल यादव, आदरणीय शिवपाल यादव जी की नाराजगी सामने आई, तो समाजवादी पार्टी के जितने जो कहने के समाजवादी पार्टी नेता थे, जो अवसरवादी समाजवादी थे, उनको अपनी हैसियत समझ में आ गई। इस हैसियत के चलते 225 सीट वाली पार्टी जो है जाकर के उत्तर प्रदेश में, जिस पार्टी का भी बहुत ज्यादा जनाधार नहीं था, कांग्रेस के साथ में इन्होंने गठबंधन किया। किस वर्ष, किस डर की वजह से किया, तो कहीं ना कहीं आपकी बात पूर्णतया यहाँ पे सत्यापित होती है कि ये शिवपाल जी का गठबंधन में एक बहुत बड़ा योगदान था। और जो असली वाकई में खाटी समाजवादी लोग हैं, वो केवल और केवल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ में ही रहेंगे, और उनका पूरा सपोर्ट, चाहे हमारा जो भी वोट बैंक आप देख लेना समाजवादी पार्टी का, 2019 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं अभी कोई बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आने वाले समय में सबके चेहरे से धूल हट जाएगी। नहीं, प्रशांत पाठक जी, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात आप कर भी नहीं रहे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जी जी। और इस रियलिटी को अगर जीतू शर्मा नहीं समझ रहे हैं, जीतू शर्मा नहीं समझ रहे हैं, तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस मुझे भी समझ नहीं आ रहा। देखिए, आप क्या है कि हवा में अगर हेलीकॉप्टर से उतर के अगर कोई नेता जीत जाए तो ये अपने आप में बड़ी बात, मतलब ये एक वो हेलीकॉप्टर का दौर नहीं है। जनता आज की डेट में अपने साथ जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को पसंद करती है। जो उनके हितों की बात करें, उनके हितों के लिए सामने आए। देखिए प्रशांत पाठक, आपकी बात से देखिए एक बात जो मुझे समझ में आती है जी जी, जो बहुत ही क्लियर कट है, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में भी समझता हूँ आपकी बात से, एक बात तो क्लियर है कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और ठीक ठाक सीट्स हमारे पास आएंगी, ये बीजेपी एक मिनट, पूरी बात मुझे वो अगर कह रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन देखिए, पीएसपीएल भी है, उनको पता है कि पीएसपीएल को वोट कौन देगा, समाजवादी पार्टी के ही कैडर वोट तो देंगे, कैडर वोटर्स देंगे,
तो इसका फायदा क्या होगा? महागठबंधन कोई कैडर महागठबंधन को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। मैं थोड़ा मनोज जी से एक सवाल अंतिम कमेंट आपको दूंगा। आपने बताइए, आपने बोला कैडर वोट, यहाँ कैडर वोट कोई नहीं है। आदरणीय शिवपाल जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता उनको पसंद करती है। आप देखेंगे उनके किसी भी छोटे से छोटे कार्यक्रम को आप नजर डालिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम को नजर डाल लीजिए और वहीं शिवपाल यादव के मामूली से कार्यक्रम को नजर डाल लीजिए, अंतर तो दिखता है बिल्कुल आपको जमीन आसमान का। इवन आप सैफई के अंदर आप देखिए, एक प्रोग्राम पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया तो वहां पे उन्होंने 2000 कुर्सियां लगवाई, 500 कुर्सियां खाली रही और इसकी वजह से उन्होंने सैफई में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। वहीं एक मतलब एक मामूली रूप से क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं का जाना प्रशांत पाठक जी, 5000 की भीड़ इकट्ठा। मैं एक बहुत ही शॉर्ट में एक आंसर चाहता हूं, उम्मीद क्या कर रहे हैं कि पीएसपीएल को कितनी सीटों पर जीत हो सकती है इस बार, कुछ है इस तरह का कोई आंकड़ा वगैरह रखे हैं? अभी मैं आपको एक बात कहूंगा, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी शिवपाल सिंह जी ने कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका अदा करेगी। ये आने वाले 2019 के समय में आपको पता नहीं इस बात में कितनी मजबूती दिख रही है मुझे या कितना दम है, लेकिन एक बात तो तय है कि पीएसपीएल के आने से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है उसमें सेंध लगाने का बड़ा काम हुआ है और बैठे बिठाए बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं अरुण राजभर भी थोड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि चलो अच्छा है शिवपाल यादव कुछ तो नुकसान करेंगे, उन लोगों का हम लोग को फायदा होगा। लेकिन क्या वाकई में फायदा होगा या फिर कुछ करना होगा इस फायदे को लेने के लिए कुछ करना होगा? मनोज जी के पास हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मुझे बोला जा रहा है एक ब्रेक लेने के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही अहम है, वैसे हमेशा ही बहुत ही अहम होता है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अहम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब हम अपने दम पर अपने प्रदर्शन को दिखाएंगे, अपने दम खम को दिखाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी जो चुनावी रणनीति है उस चुनावी रणनीति के तहत एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश को फतह करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी बीएसपी का कहना है कि हमारा महागठबंधन पूरी तरह से कारगर है और हम अपने वोटर्स को पूरी तरह से साधने में कामयाब होंगे। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं पीएसपीएल को। पीएसपीएल का कहना है कि प्रगतिशील जैसा नाम है उसी तरह से कुछ उत्तर प्रदेश में हम लोगों की प्रगति होने वाली, यानी कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो नुकसान किसका होगा? समाजवादी पार्टी का, महागठबंधन का नुकसान होगा। जहाँ तक एसपी की बात है तो अभी भी अगर बीजेपी के साथ स्वर में स्वर मिलाकर एनडीए में रहने की अगर उनकी कामना है, तमन्ना है, तो शायद मुझे लगता है कि एनडीए को इससे फायदा होगा। अगर वो बार बार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो एनडीए का नुकसान होना तय है। इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं, जीतू शर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता, प्रशांत पाठक प्रवक्ता इस वक्त हैं पीएसपीएल के, कांग्रेस के नेता इस वक्त चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं, अरुण राजभर इस वक्त हैं हमारे साथ एसबीएसपी के महासचिव, और मनोज मिश्रा जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले सुनते हैं इसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। राष्ट्रीय पार्टी 134 साल पुरानी राष्ट्रीय पार्टी और हमने लोकसभा चुनाव में कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि गठबंधन के बारे में कोई फैसला करना अंतिम रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो आदरणीय राहुल जी हैं उनको तय करना है कि गठबंधन होता है या नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी अपनी मुकम्मल और पूरी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा है
कि अधिक से अधिक सांसद उत्तर प्रदेश से जीत कर कांग्रेस पार्टी जाए, जिस आदरणीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सके। कांग्रेस से बीजेपी को कोई चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो 2 सीटें जीत पाए थे वो भी उस समय पार्टी, मतलब ये क्या हुआ कि 2 जीत गए, उन्हें तो 2 भी नहीं जीतना चाहिए था। कि जब 2 सीटें जीत पाए तो वो, एक तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, दूसरा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक गतिविधि भी पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान नहीं की। कि कांग्रेस ये कहती है हम राष्ट्रीय दल हैं, तो उत्तर प्रदेश में उस राष्ट्रीय दल का कोई बेस नहीं है। चलिए मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे, इस वक्त हैं भी हमारे साथ। मनोज जी एक चीज बताएं, इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सियासी हालत बनी हुई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसे आप मानते हैं कि चक्रव्यूह की तरह रचना हो चुकी है, इसका आकार चक्रव्यूह की तरह हो चुका है और बीजेपी इस चक्रव्यूह को तोड़ने में पूरी तरह से सक्षम है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सियासी लोचा की तरह है और इस लोचा से बीजेपी को बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और कई जगह तो ऐसा वर्कआउट करना होगा कि अंदर अंदर किसी को पता ही नहीं चले और बीजेपी के हाथ में समझिए कि सब कुछ आ जाए? कुछ इस तरह का कोई विजन है आपके पास? थोड़ा सा बताएं, कुछ है वर्कआउट, कुछ चल रहा है, या ऐसे ही बस टेलीविजन पर बैठ जाते और बस बयानबाजी, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारने से पहले खूब बयानबाजी हुई थी लेकिन देखिए नतीजा क्या हुआ? अंदर अंदर की कुछ खबर बताइए, कुछ क्या चल रहा है? देखिए, जो कह रहे हैं वो पहले समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस के कार्यकलाप 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो क्यों आई थी? क्योंकि कांग्रेस का बदनाम चेहरा उस समय वहां पर लोग कहते थे कि कांग्रेस सरकार की अगली कैबिनेट की मीटिंग तिहाड़ जेल में होगी। 2G CWG आपका बदनाम चेहरा हो गया रैफल में, व्यापम में, अभी तो बहुत सारे चीजों में आप बदनाम हो गए हैं। अभी तो उसकी सफाई देनी बाकी है आपको, उसमें भी आप देना नहीं चाहते, ना सदन में ना बाहर। जब आपसे बहस करने के लिए कहते हैं भग जाते हो। जिस बदनाम चेहरे को आप कहते थे उससे ज्यादा तो आपका बदनाम हो गया, जबकि आप तो एक साबुन लेके आए थे लोगों का नाम लेके कि हम सत्ता में बैठेंगे, चेहरा साफ रखेंगे, दाग दर्द नहीं करेंगे। लेकिन इस पिछले 4 साल 8 महीने में आप पे जितने करप्शन के दाग लगे हैं उनको आपको धोना पड़ेगा, और ये कहना नहीं चाहिए आपको। आप बोल लीजिए, नहीं आपकी बात का जवाब देना पड़ रहा है। आप बोलिए, कोई बात नहीं। आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठा हूँ, क्योंकि आपको जब ये गरिमा नहीं है कि टेलीविजन चैनल पे गरिमा क्या होती, तो आप बोल लीजिए, जितना मन आया आप बोलिए। गरिमा भी देखिए देश ने कितना कुछ आप बोलते हैं। शर्मा जी बोलने दीजिए, मनोज जी बोलिए, आप मनोज जी पूरी बात कीजिए अपनी। आप देखिए, आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, या जितने लोग बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। तो कहने का मतलब ये है कि जब 14 में सरकार आई थी तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आई थी, कांग्रेस के परिवारवाद, भाई भतीजावाद पर आई थी, कांग्रेस के बेईमानी के विरुद्ध आई थी। उत्तर प्रदेश में जब 17 में सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी के भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जितने बात होते हैं उन सबके अगेंस्ट आई थी। तो पहली बात तो अभी कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन्होंने अभी कुछ काम किए हैं, दोनों प्रांतों में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में यूरिया गायब हो गई इनके आते ही, वंदे मातरम पर रोक लगा दी मध्य प्रदेश में, और इनके रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री कहते हैं राजस्थान के कि अकबर महान था, महाराणा प्रताप महान नहीं थे। ये सब कितना तो काम करेगा मनोज जी? उत्तर प्रदेश में ये सब कितना काम करेगा? क्या यही बात उत्तर प्रदेश में क्या इसी बात? इससे परसेप्शन बनता है ना कि आपने शुरुआती कदम क्या उठाए, आपकी दिशा क्या है। आप तुष्टिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप हर बार तुष्टिकरण की बात करते हैं। अब आप मोदी सरकार की उपलब्धियां देखिए। हाँ, बहुत उपलब्धियां। मनोज जी कहो तो मैं आपको 2 शब्द दे दूं, थोड़ी देर के बाद लौटते हैं आपके पास। लेंगे मनोज जी, आपने बड़ी अभी आपने गरिमा की बात करी, गरिमा अरुण राजभर। देखिए मनोज, एक मिनट, देखिए मनोज जी से अगर हम रणनीति की बात पूछेंगे तो क्यों बताएंगे, भला उनको बताने की जरूरत भी क्या है? टेलीविजन पर इस तरह की बातें की भी नहीं जाती है, पत्रकार की आदत होती है कुछ ना कुछ पूछता रहता है वो। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग अपनी रणनीति के हिसाब से चलेंगे इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में,
या फिर एनडीए की रणनीति के हिसाब से आप लोग काम करें, क्या है थोड़ा सा क्लियर कर दें, बीजेपी वाले भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएं कि सिर्फ टेलीविजन पर बोलने से नहीं बल्कि जो सच्चाई है उसको भी बताने की जरूरत है। अरुण सुन पा रहे हैं आप? गौरीशंकर जी, अभी हमारे मित्र जो मनोज जी ने गरिमा की बात करी थी, गरिमा रूपी भावनात्मक मुद्दे को लिया था, तो मैं मनोज जी को एक बात दिला दूं कि गरिमा रूपी जिस बात को आप ले रहे हैं उसका जवाब तो आपके राज्य मंत्री राजभर जी बहुत बार दे चुके हैं, उसके साथ अपना दल के जो आपके सहयोगी है वो भी दे चुके हैं, और उसके साथ साथ जिस गरिमा को आप लेके चलते हैं एक सेंटर के अंदर सहयोगी बिठा रखे आपने रामविलास पासवान, जो पूरे के पूरे परिवार को जितनी आप सीटें देते हैं उसको साथ लेके चलते हैं, जिस परवाद रूपी गरिमा को आप लेके 2013 की सत्ता आपने हासिल करी थी, आपको वो दब का जो दाग है उन सबका जवाब देना पड़ेगा। उसके साथ जिस गरिमा के भंडार को आप बेचते हैं उस पर करप्शन के इतने लांछन आपके ऊपर लग चुके हैं जिसका आप जवाब नहीं देते, रैफल जैसा महाघोटाला जिसके अंदर आपने एक हिंदुस्तान की एचएएल कंपनी को छोड़ के अपने मित्र की कंपनी को भंडार करके भंडार भर दिया उसके, इसकी भी गरिमा का आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी है ना फैसला आ चुका है। नहीं, गौरीशंकर जी, जवाब तो इनको देना पड़ेगा, वो उससे क्लीन चिट नहीं मिलती है इनको। चलिए कुछ और समझना चाह रहे थे, लगता है अरुण राजभर से हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम एक मसले को थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं। प्रशांत पाठक से इसके बाद जीतू जी के पास आएंगे। पाठक साहब मुझे थोड़ा सा बताएं, शिवपाल यादव को हल्के में समाजवादी पार्टी क्यों ले रही है, रीजन क्या है इसके पीछे? आप लोग तर्क पर तर्क दे रहे हैं, जीतू जी मुस्कुरा रहे हैं कि कुछ ही बोल लो, जीत तो हमारी होगी, शिवपाल यादव कुछ भी कह लें, प्रगतिशील खुद को बना लें या फिर लोहियावाद से अपने आप को जोड़ लें, कुछ नहीं होने वाला। देखिए मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो प्रगतिशील समाजवादी की लड़ाई जो है वो किसी अन्य दल के साथ नहीं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी खिलाफ नहीं है, नहीं, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हम केवल और केवल देश हित में समाज हित में काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, ये प्रशांत पाठक एक बात थोड़ा क्लियर करें, लोग ये क्या मुद्दा बनाएंगे, एक बात थोड़ा सा क्लियर करें पूरी बात करने से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अलग हिसाब किताब रखे हैं, फिर जब चुनाव हो जाएंगे, सीट्स हो जाएंगे, कुछ 5-10 सीट यदि आपको आ भी जाता है तो फिर आप लोग विलय कर लेंगे कि चलो ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई सब एक हो गए, भाई भतीजा सब एक हो गए, कुछ इस प्लान पे तो नहीं चल रहे हैं आप लोग? देखिए ऐसा चल रहे हैं फिर जनता के साथ धोखा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एकदम स्टैंड क्लियर है, केवल और केवल हम जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं। आपने 2012 में भी देखा होगा, जो लोग मुख्यमंत्री बनाए गए या जो थे वो 2012 में जब मायावती की सरकार बनी तो कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में था नहीं जो लाठियां खा रहा था। आदरणीय शिवपाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे के पूरे मायावती शासन काल में उसका विरोध किया और उसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जो नेता अपने आप को, चाहे वो नंदा जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो या और भी जो भी नेता हो, कौन सा नेता ऐसा था जो विधानसभा के सामने अपने आप को लाठियां खिला रहा था? आप एक नेता का नाम मुझे बताइए। जो आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि संगठन की, तो संगठन की अगर आप बात करें तो आज की डेट में हर तरीके से लोग जो है भावनात्मक रूप से शिवपाल यादव से जुड़े हुए हैं, शिवपाल यादव से जुड़े हुए हैं, और समाजवादी पार्टी का हश्र वही होने वाला है जो किसी जमाने में आरएलडी का हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात इस वक्त आपने कही जो है, मैं देखिए यही सुनना चाह रहा था कि हर बात तो आप कह रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी का विरोध क्यों नहीं कर रहे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको निकाल दिया गया। निकाल क्या दिया गया, एक तरह से समाजवादी पार्टी का विरोध अगर पीएसपीएल ना करे तो थोड़ी हैरानी होती, इसलिए मैं पूछ लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ गेम प्लान है, बाद में सब एक हो गए, भाई भतीजा सब एक, भाई भाई एक हो गए, ऐसा तो नहीं है कुछ? दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, जो ये बात कर रहे थे सुशासन की या उसकी प्रशासन की, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो ये बात लेके जा रहे हैं एजेंडा इनका, यूपी में इनकी स्थिति इतनी गंभीर है, खुद इनके बड़े नेता इस बात को स्वीकार रहे हैं कि यूपी को अगर आपने नहीं संभाला तो आप कहीं भी चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। आप समझिए बात को, क्राइम चार्ट देखिए, आपके पास सर्वे होंगे क्राइम के मामले में यूपी आज की डेट में 400% ये सब ठीक है, ये सब देखिए, ये सब मसले, ये सब मुद्दे, भ्रष्टाचार के मामले में ये सब मुद्दे हैं, चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे उठेंगे, थोड़ा सा गठबंधन को लेकर जो एक क्या इसको बोला जाए, चक्रव्यूह कहा जाए या लोचा कहा जाए, चक्रव्यूह थोड़ा सा अलग चीज होता है, उसको तोड़ना और भेदना थोड़ा मुश्किल होता है, और लोचे में अगर आप फंस गए तो उससे तो तोड़ना और भी बेकार परिस्थितियां बन जाती है उसके लिए। मुझे लग रहा है कि दोनों ही कंडीशन इस वक्त उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। जीतू जी थोड़ा सा समझाएंगे,
जीतू जी, आधार क्या है? देखिए बहुत अच्छे से प्रशांत पाठक जी ने कहा कि ये लोग हल्के में न लें, हम लोग बहुत बहुत ढंग से इन लोगों को बताने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव में कि कितनी ताकत हम लोग के पास है, यानी कि शिपाल यादव के कंधे पर पूरी तरह से बैठ कर किस तरह की बात कही जा रही है। आपका आधार क्या है? आपका आधार थोड़ा सा मुझे बताएं, बहुजन समाज पार्टी को आधार बनाना है, क्योंकि अगर PSPL का प्रदर्शन बेहतर रहा तो 7-8% वोट शेयर बनता है आपके लिए, है ना? बाकी तो फिर आप मायावती के कंधे पर ही बैठ करके आगे की सवारी करेंगे। कांग्रेस को भी आप सटाने के लिए तैयार नहीं है, RLD से कितना फायदा हो जाएगा आपको, फिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है जीतू जी, मुझे थोड़ा सा बताएं। गौरी शंकर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कुछ समय पहले ओम प्रकाश राजवर्धन जी ने एक बयान दिया था, जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी का गठन किया, तब उनसे किसी पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि यदि शिवपाल सिंह यादव जी के पार्टी बनाने से अखिलेश यादव जी को नुकसान होगा तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? तो उन्होंने कहा था, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने शिवपाल सिंह यादव जी किसी प्रकार का कोई भी यादव वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था, आज इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? आज इस तरह का बयान ऊपर से जातिगत वोटों की बात कर रहे हैं। बात सुनिए, ये आपत्ति मुझे भी है जीतू शर्मा जी, आपसे टोका नहीं, मैं ऊपर से ऐसा तो नहीं कि अरुण राजभर को आपने देख लिया तो थोड़ा सा पासा फेंकने का भी मौका मिल गया? मैंने भी नहीं देखा। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, ओम प्रकाश एक चीज मुझे बताया, अभी चूंकि थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बीजेपी के नेता से, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयान से कितना फर्क पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश की सियासत में? जीतू शर्मा जी, समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आदरणीय जो शिवपाल सिंह यादव हैं, उनके पार्टी बनाने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह देता हूं। आप लोग का और देखिए, और 2014 की जो बात कर रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूं शंकर जी, बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जो शिवपाल सिंह यादव जी आज भी जुड़ चुके हैं, मनोज जी हमसे जुड़ चुके हैं, राजभर भी जुड़ चुके हैं, अरुण जी आपसे सवाल, एक मिनट, उस दल के साथ आप गठबंधन, एक मिनट प्रशांत पाठक, एक बार थोड़ा सा अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण राजभर एक सवाल पूछ रहे थे आपसे, लेकिन कनेक्टिविटी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, आपसे बात हो नहीं पाई। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का एजेंडा क्या रहेगा इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, एजेंडा क्या है, तो चुनावी रणनीति क्या रहेगी? आप लोग NDA के विजन पर काम करेंगे या फिर खुद इंडिविजुअल लड़ाई लड़ेंगे, इसके बाद NDA को सपोर्ट करेंगे, क्या है, थोड़ा से क्लियर कर दें। देखिए, हम एक स्वतंत्र पार्टी हैं, ये पता है, स्वतंत्र पार्टी में हमारे एजेंडे अलग हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे अलग हैं, और हम अपने एजेंडे पर काम करते हैं, हम उन एजेंडों पर काम करते हैं कि शिक्षा में सुधार कैसे आएगा, 1,77,00,000 गरीबों के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उसमें शिक्षकों की कमी है, जो शिक्षा मित्र आज बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे मिलेगा, 2017 में शिक्षा मित्रों को नौकरी देने का वादा 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने करके आई थी, हम उसको याद दिलाने की बात कर रहे हैं, गरीबों का जो आवास, पेंशन, शौचालय, नाली की बीमारी है उसको कैसे दूर किया जाएगा, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता। अच्छा, एक बात अरुण राजभर, अरुण एक बात जो बहुत अधिक तो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन कहीं कहीं से मैं सुन रहा था कि एक बात है कि अपना दल से ज्यादा जो है अभी प्रेशर जो है SP का बीजेपी के ऊपर है सीट्स को लेकर के, इस बात में कितनी सच्चाई है? कहीं ऐसा तो आप लोग नहीं मानते कि अपना दल की वजह से हम लोग को नुकसान हो रहा है? सीट का प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय समाज पार्टी कभी नहीं करती है, यह आप अगर कर रहे हैं, 4.5 साल तक अपना दल कहां था, आज 3 महीना जब बचा है तो सीट का मोल भाव करने लगी है। देखिए, आप अभी तो बोल रहे हैं, आपकी लैंग्वेज बदल गई अपना दल का नाम सुन करके। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारा जो है कि 1-2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की वादा किया था, कितने रोजगार का अवसर मिला, ये रोजगार का अवसर भारतीय जनता पार्टी बताएगी। 2018 में बताना चाहूंगा, 1,09,00,000 जब नोटबंदी हुई, GST लागू हुआ, तो लोग बेरोजगार हुए, लोग अपने रोजगार से मुझे 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 उस पर जाना ही नहीं, अरुण राजभर जाना नहीं है। मेरा सवाल बस इतना था कि आगामी लोकसभा चुनाव में, एक मिनट सुनिए अरुण जी, मेरा बस सवाल इतना था, रहने दीजिए मुद्दे, प्लैंग से सब सारी चीजें हम लोग को पता है कि क्या क्या आप लोग करने वाले हैं, मुझे बस इतना बता दें कि 2000
2019 में आगामी लोकसभा चुनाव में आप लोग बीजेपी के साथ है या नहीं है ये बता दें, क्योंकि जब मीडिया से बातचीत आप लोग करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं है, साथ नहीं देने वाले। एक दोहा बनाया है, वो दोहा आपको सुनाऊंगा, सुनाइए। एक दोहा बनाया हूं, वही दोहा सुनाऊंगा कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी अधिसूचना जारी होने से पहले नहीं जारी करेंगे। हाँ। तो हमारा एक दोहा जनता के बीच में जाएगा कि बनत रहल तब बनत रहल अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम अपने घरे। चलिए ठीक है, क्लियर कर दिया। चलिए क्लियर, चलिए हो समझ गए आप, आपके दोहे से पूरी बात क्लियर हो गई, आपके दोहे से पूरी बात क्लियर हो गई कि भाई अगर मुझे इतना फायदा नहीं मिला तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये फायदे की बात तो आप कर ही रहे हैं अरुण जी, कोई बात नहीं है, दोहे के जरिए आप इसको थोड़ा सा इज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। तो फिर फिक्स T20 मैच हो गया, ये तो T20 मैच की तरह हो गया अरुण जी, कि बॉल आप फेंक रहे हैं, बैटिंग बीजेपी कर रही है, T20 लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है SBSP के लिए कोई नया फॉर्मेट तलाशना होगा। आज सुबह में जरूरत है कि आप जो गलत नीतियों को लेके बीजेपी के सामने आ रहे हैं तो उनको साथ छोड़ना चाहिए आपको, लेकिन ना तो आप साथ छोड़ते हैं ना बीजेपी आपका साथ छोड़ती है। ये बाउंसर था मनोज जी सुन रहे हो, मनोज जी आपने सुना होगा दोहा, आपने सुन लिया होगा दोहा अरुण जी ने, देखिए कितना अच्छा दोहा पड़ा। लेकिन देखिए मुझे तो लगता है कि हम लोग तो समझ में आ गया, लेकिन बीजेपी भले समझ करके भी ना समझ बने, भले वो कह दे कि बाउंसर की तरह था, लेकिन अगर ये बाउंसर था तो इसको कैसे आप लोग सही, मतलब एक सही लेंथ में गेंद पाले में जाए, विकेट आउट हो जाए, कुछ है कुछ रणनीति, क्योंकि SP वाले आप लोग को छोड़ने वाले नहीं है, है ना, 2 साल से परेशान कर रखा है आप लोगों को, जो है कुछ इसके बाद भी कोई आप लोग बड़ी बात आप लोगों की तरफ से नहीं की जाती है। देखिए अभी जो बहस चल रही थी उस पर बताना है कि हम बड़ा राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। बड़ा तो ये जो चाहे राजभर साहब हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो या कोई और लोग हो, अलग दो ही दल हमारे साथ हैं, तो इन लोगों को इनकी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी समझती है और हम सामूहिकता के सिद्धांत में भरोसा रखते हैं। इनकी भावनाओं को आप समझते हैं तभी राजभर सम्मेलन अकेले बुलाते हैं, चला रहे हैं। मतलब जिस वृक्ष को आपने सींचा उसी को काटने का काम कर रहे हैं। फिलहाल में गाजीपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी गए और जिनका आप सम्मान करते, जिन विचारधारा का सम्मान करते, सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं, उन्हीं के नेताओं को आप मंच पर नहीं बुलाते। पूछिए इनसे, अरुण राजभर जी से, क्या इनके राष्ट्राध्यक्ष जी को बुलाया आपने? दो साल के अंदर 200 धमकियां ये लोग आपको दे चुके हैं। जीतू जी, ये आरोप प्रत्यारोप, ये आरोप प्रत्यारोप का है। राजभर जी केवल आरोप प्रत्यारोप हर पार्टियों पर चाहते, और मैं अगर एक दो चार मैं अगर एक कह दूं जीतू जी जनता पार्टी के साथ, मैं अगर एक कह दूं कि शिवपाल यादव का आप लोगों ने क्या किया, शिवपाल यादव का आप लोगों ने क्या किया, उनके साथ क्या किया, कितनी बेइज्जती उनकी, घर परिवार है ना, घर परिवार से बाहर कर दिया। मुलायम सिंह यादव बेचारे ये हमारे मतलब आप लोगों की करतूत की वजह से उनको रोना पड़ा है ना, रोना पड़ा। शिवपाल यादव को रोना पड़ा, अखिलेश यादव विधायक है, अखिलेश यादव सीना चौड़ा करके घूमते रहे। आपसे बात पर भी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। अगर हम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का सम्मान नहीं करते तो मुझे ये बता दीजिए, आज भी शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर माननीय विधायक है, बताइए हमने क्या निष्कासित कर दिया या उन्हें निष्कासित कर दिया? सुनिए, मैं कह रहा हूँ, जब तक आपके ऊपर सत्ता का नशा था तो आप पिता को भूल गए, चाचा को भूल गए, समझ रहे? जिस दिन से आदरणीय शिवपाल जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई उस दिन से आपको नेताजी याद आने लगे। उससे पहले ना नेताजी का कभी जन्मदिन मनाया गया, ना उससे पहले आप ही के विधायकों ने बाकायदा मीडिया पे चला किस तरीके से नेताजी, पाठक जी को बता देता हूं, तक्कियों को पैरों तले रखा जी को बता देता हूं, क्या कौन सी ऐसी जो राज्य सम्मेलन हुआ था, आपके साथ ही सत्ता में बैठे, किस तरीके से नेताजी का उपहास नंदा जी ने, किरण भाई नंदा जी ने उड़ाया, आपने उस पे क्या एक्शन लिया, बताइए आप मुझे। आप सम्मान की बात मत करिए। चलिए एक बात मुझे समझ नहीं आया, वो राज्य सम्मेलन हुआ था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जी को राष्ट्राध्यक्ष जी सर्वसम्मति से बनाया गया, उसमें आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष और ठीक है, लेकिन शिवपाल यादव नेताजी का उपहास, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ, रैली में उड़ाया गया जीतू जी, निंदनीय कुछ हो नहीं। जीतू जी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी से नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन सलाह देता हूँ,
8-9% का हिसाब किताब बनता है। मायावती अगर सही ढंग से कैलकुलेट कर लिया ना कि 8-9% ही तो है समाजवादी पार्टी के साथ, तो हैसियत तो दिखाई जा रही है आपका गठबंधन कहीं संकट में ना आ जाए। इसलिए मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाह रहा कि 8% का हिसाब किताब है और बाकी जो परसेंट है ना, बाकी जो परसेंट है वो शिवपाल यादव ले जा रहे हैं। मैं तो प्रशांत पाटिल कह रहा हूँ आपसे, सपा बसपा रालोद ये तीन दल, चौथे दल की हमें किसी की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अरुण, लेकिन अरुण राजभर, अरुण राजभर आप जी, अरुण राजभर जी है केवल सिमरन, बाकी आपकी अरुण राजभर जी बता दूं कि ठप्पा लग चुका। मैं तो आपसे भी कहता हूं कि आप भी आइए, एक मिनट, इस तरह की चर्चा नहीं होगी। कौन किस पार्टी में जाएगा नहीं, वो आप लोग समझे क्या करना है नहीं करना। लेकिन अरुण राजभर जी, मैं आपको जरूर इतना एक बात कहना चाहूंगा कि आप एनडीए में हैं और एनडीए की शिकायत करते हैं, एनडीए को जी भर के पानी पी पी करके गालियां देते हैं, मतलब बीजेपी को। लेकिन कभी भी आपके मुंह से, आपके बड़े नेताओं के मुंह से जो गठबंधन बन रहा है उत्तर प्रदेश में आप लोगों के खिलाफ, उसके खिलाफ कभी भी बोलते हुए नजर नहीं आए, बड़ा कारण ये है, उसके खिलाफ कभी बोलते नजर नहीं आए। यदि ये गठबंधन तोड़ने की बात करेंगे और इसी को एक मिनट जीतू जी और इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग। इतना ना करें कि आम जनता को भी थोड़ी सी तकलीफ होने लगे, है ना। नहीं, T20 भी नहीं कहता, मैं तो कह रहा हूँ कि बाउंसर वाउंसर के लिए भी कोई थोड़ा सा एक नया फॉर्मेट जारी कर दिया जाए। ये बड़ा अजीब लगता है अरुण राजभरे, बहुत ही अजीब लगता है कि आप एनडीए को गाली देते और महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश बन रहा है आप लोगों के खिलाफ, उसके फेवर में आप बात करें। चलिए अरुण राजभर जी, आप आए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मनोज मिश्रा जी, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। इसके बाद प्रशांत पाठक जी, आप यहाँ पर आए, वक्त निकाला, शुक्रिया। जीतू शर्मा जी, शुक्रिया आपका, और चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया इसके लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।